हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे दोस्त अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 9 मई 2022 के करंट अफेयर्स की, वो भी विद डिटेल के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, अपने यार दोस्तों की भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कहते हैं दोस्तों, ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। कहने का मतलब, अभी तैयारी चल रही है, अभी कुछ नहीं हुआ है। एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है। जिन लोगों ने कहा है उनको करके दिखाना है, इसीलिए अभी संघर्ष जारी है। इसी के साथ दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। कौन सा? वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। पिछले विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर 10 को मनाया गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रवासी पक्षियों के आवासों, विशेष रूप से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की स्थापना की थी। इस आयोजन की स्थापना यूनाइटेड नेशन एग्रीमेंट ऑन कन्वर्जेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के तहत हुई थी। दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो होती 2006 में। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसकी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। नॉर्डिक देश कौन से हैं? तो भाई दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फरो आइसलैंड डेनमार्क राज्य के भीतर एक स्वायत्त द्वीप समूह शामिल हैं। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि पहला जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है जो कहाँ आयोजित हुआ था, वो हुआ था 2018 में, कहाँ पे? स्टॉकहोम में। और 2022 कहाँ पे हो रहा है? तो वो हो रहा है दोस्तों डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कौन सी है दोस्तों? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। इसरो शुक्र ग्रह के लिए मिशन कब लॉन्च करेगा? तो वह दोस्तों 2024 में। दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन के तहत ही पता करेंगे कि मतलब 2024 क्यों रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो दिसंबर 2024 में शुक्रवार के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यदि अंतरिक्ष यान को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाता है तो 2025 में अंतरिक्ष यान की दिशा बदलने की योजना बनाई जा सकती है। 2025 में पृथ्वी और शुक्र को इस तरह से संरक्षित किया जाएगा कि अंतरिक्ष यान को शुक्र की कक्षा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम मात्रा में प्रौद्योगिक की आवश्यकता होगी। दोस्तों, 2024 में इसलिए ये लॉन्च करेगा ताकि 2025 में दिशा बदलने की स्थिति की योजना भी बना सके। तो दोस्तों, 2024 में ही ये शुक्र ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करेगा। कौन? इसरो, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसे कहते हैं इसरो। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था? तो वह किया गया था 7 मई 1960 को। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और
उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। इसकी प्राथमिक भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करना है। यह भारत के समग्र सामरिक और रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीमाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करता है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य बोधशाला की घोषणा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई थी? तो की गई थी उड़ीसा द्वारा। उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो भाई दोस्तों 4.40%। रिजर्व बैंक ने मई 2022 में मौद्रिक नीति समिति MPC की एक अनिर्धारित बैठक के बाद रेपो दर को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति उदार रुख बनाए रखते हुए दरों में वृद्धि के लिए मतदान किया। इस निर्णय का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, जो पिछले 3 महीनों से 6% से ऊपर बनी हुई है। दोस्तों, मुद्रास्फीति से मतलब ये है कि महंगाई 4.40% हुई थी, तो 3 महीने में लगभग 6% से ऊपर चली गई है। वो क्या है दोस्तों? बाय मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा ईयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया? तो भाई दोस्तों कोची कहाँ दोस्तों? कोची के विशाखापट्टनम। भारतीय तटरक्षक बल ने कोची के नेंदू बसेरी में तटरक्षक वायु इंक्लेव में अपना दूसरा ईयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन कमीशन किया। यह नया एयर स्क्वाड्रन विदेशी रूप से विकसित एडवांस्ड मार्क थर्ड यानी कि Al-3 हेलीकॉप्टरों में लेस है। अब तक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तट को कवर करने के लिए कोची में 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह दोस्तों हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लॉरेंस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना का समर्थन किया है। तो दोस्तों, जो FCT है यानी कि फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में। और ये किस इंस्टीट्यूट में करा जाएगा? डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो वह दोस्तों ओपन मतलब एक नियो बैंकिंग फिनटेक पोर्टल ने हाल ही में पूंजी जुटाई और भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। 5 साल पुराने बेंगलुरु वेस्ट नियो बैंक ओपन ने हाल ही में $50 मिलियन जुटाए। गौरतलब है कि 14 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। और कहना चाहूँगा, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको डिटेल वाइज आपको सारा कुछ पढ़ने को मिलता है डेट वाइज। तो ये हमारे जो वीडियोज़ हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये हमारे वीडियो हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।